मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज़ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। मुंबई पुलिस को सलाम, उरूस मुबारक आपको, और आपसे कुछ बातें मुंबई के बारे में भी जानना चाहता हूं कि जो आप मुस्लिम बहु इलाका है जो मुमरा, वहां से आपको मैं सुना हूं कि शिवसेना से भावी आमदार, मतलब आपको टिकट देने की शिवसेना सोच रही है, और हमारी इस तरफ से आपको मुबारकबाद है कि आप, हम चाहते हैं कि आप वहां से शिवसेना से लड़े और आमदार बन के आवे मुमरा से। इस आपको क्या लग रहा है, बीजेपी शिवसेना की युति होगी कि नहीं होगी, आगे क्या होगा, आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? देखो, ये जो बीजेपी और सेना की युति का है, ये बड़े लेवल पे होता है जी। माननीय उद्धव साहब जो निर्णय लेते वही आखिरी निर्णय होता है, तो उसके अंदर हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता कुछ बोल नहीं सकते, उनका निर्णय हमारे लिए लास्ट निर्णय होता है। और रही बात आमदार की, तो इसमें ऐसा कि पार्टी टिकट देंगी तो हम लोग लड़ेंगे, और वाकई मुमरा को एक मुस्लिम आमदार की ज़रूरत है, तो मैं ये चाहूँगा, पार्टी से उम्मीद करता हूँ कि वो हमें टिकट जी। अभी हमने ये सुने थे कि जितेंद्र अवार्ड ने वहाँ कब्रिस्तान की जगह बिल्डरों को बेच दिया है, इस बारे में बहुत लोगों ने आंदोलन भी किया, और अबू आसिम ने बोले कि कब्रिस्तान की जगह को लेके बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, आपने भी उस आंदोलन किए हैं, आपने उस बारे में हमें भी मालूम पड़ा है, वहाँ सही में हकीकत है तो वहाँ मुस्लिम एरिया में शिवसेना इस वक्त आमदार मुस्लिम चाहिए, इस बारे में आपको, आपकी पार्टी का क्या पहलू है? लोगों का नज़रिया अभी बदल गया, लोग देखते काम कौन करता है और कोई कौन अच्छा काम करता है। अभी इन्होंने ऐसा हुआ था कि ये आमदार थे, इनके पहला ये कब्रिस्तान का जगह रिजर्वेशन था, तो इन्होंने ये करना चाहिए, जितेंद्र आवाड़ ने उसके अंदर बहुत अच्छा जो जगह पे रिजर्वेशन थी उसी जगह पे कब्रिस्तान देना चाहिए था, मगर वो न करते हुए कब्रिस्तान को शिफ्ट कर दिया, जो जगह पे गटर नाला खाड़ी जगह है वो जगह के अंदर कब्रिस्तान उन्होंने पास किया, और जो रियल कब्रिस्तान की जगह थी उसको अपने चेले चपाटों को बेच दिया उन्होंने, यानी जाति मुफाद के लिए लोगों को बहुत तकलीफें डाल दिया। और मैं आपको ये बारिश की नहीं, बारिश के पहले की बात बताता हूँ, तीन कोई भी कब्र आपको मालूम है 5 से 5.5 फुट खोदी जाती है जी, मगर वो एक कब्रिस्तान ऐसा वाहिद है कि जहाँ पे 3 फुट कब्रिस्तान खोदने के बाद में गटर का पानी आता है। तो मेरा ये बोलना है, उनके जो चेले चपाटे हैं जो बड़ा इस्लाम करते हैं जी, तो कौन सी इस्लाम में लिखा है कि गटर के अंदर मैं ये दफना नहीं है, तो उसके ऊपर तुमको अपनी पार्टी के उधर जवाब सवाल करना चाहिए। देखो, कुछ हमारे पार्टी के अंदर भी ऐसे कुछ गलत डिसीजन हो जाते हैं, तो हम अपने आलाकमान तक मैसेज पहुंचाते कि नहीं ये इस्लाम के खिलाफ है। तो अभी जैसा बुरखाबंदी का था, तो हमने मातोश्री तक मैसेज पहुंचाया, तो वहाँ से हम लोग को रिप्लाई आया कि नहीं, ये ऐसा पार्टी की तरफ से नहीं हुआ, वो अलग एक व्यक्तिगत था। तो ऐसे ये तो इंटरनेशनल मुद्दा हो गया था, तो ये मुद्दे के लिए हम लोग, तो जितेंद्र अवार्ड को तुम्हारे के अंदर थोड़ी भी गैरत है, जो जितने उनके कार्यकर्ता है, तो उन्होंने उनको सवाल पूछना किया, साहब ये हमारे दिन का मामला है, दिन के मामले में ये नहीं चलता है, तो ये तो सब पैसे खाऊ है और उनको पैसे से बड़ा कुछ नहीं। अगर अनवर भाई वहाँ आपको अगर सीट मिली और आप जीत के आए शिवसेना की तरफ से, आप आमदार बन गए, तो ये आरक्षण चेंज कर देंगे आप? मैं देखो, कब्रिस्तान का, कब्रिस्तान को तो आरक्षण चेंज होएगा, उसके बाद में उस आरक्षण में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, 5 चीज़ें और उसके अंदर क्रिश्चियन दफन भूमि, शमशान भूमि, गर्ल्स हॉस्टल और स्लाटर हाउस, ये चीज़ें खा गए ले, मैं ये टोटल चीज़ें सब अपनी जगह पे फिट कराऊंगा, और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो वादे किए थे लोगों ने मगर वो पूरे नहीं किया, मगर मैं ये कहूँगा कि मुमरा को एक नवा मुमरा बनाएंगे हम लोग, शिवसेना को अगर शिवसेना के कैंडिडेट को इन्होंने चांस दिया, शिवसेना का आमदार चुन के आता है, तो मैं ये बोलता हूँ महानगर पालिका में शिवसेना की सरकार है, स्टेट में भी आने वाले टाइम में शिवसेना की सरकार रहेगी और सेंटर में भी है, तो इसके अंदर अगर आमदार शिवसेना का रहेगा तो मुमरा का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होएगा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, जो कॉरपोरेशन ने जो DP प्लान बनाया है उस तरीके से करेंगे जी। और क्या वो एक पहला टाइम था जो लोग शिवसेना को लाइक नहीं करते थे, आज मुमरा के अंदर 18,000 वोट मुसलमानों ने शिवसेना को दिए, तो इसका मतलब शिवसेना को लोग चाह रहे हैं। और शिवसेना ने बहुत से काम ऐसे किए, मैं आपको बताता हूँ, बांद्रा का जो इज्तिमा हुआ था उस टाइम बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प करी थी मगर उन्होंने प्रचार नहीं किया था। उसके बाद में अभी फिलहाल में औरंगाबाद के अंदर एक इज्तिमा हुआ था, उस इज्तिमा के लिए माननीय पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पेशल टोल फ्री किया था जी, जो इज्तिमा में गाड़ियां जाएंगी इसके लिए, तो मुसलमानों के लिए बहुत से काम करते हैं मगर ये
सामने नहीं लाते लाते और ना इसका ढंढोरा पीटते हैं, और बाकी तो क्या है, एक कोई झंडा भी लगा दे ना तो दूसरी पार्टी वाले एक छोटा सा अगर किसी मुस्लिम के लिए काम कर दिए तो उसको बैनर पोस्टरबाजी करते हैं, कोई इफ्तार पार्टी के अंदर आए तो उसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर ढंढोरा पीटते हैं, मगर ये जब शिवसेना काम करती तो इतना उसको ढंढोरा नहीं पीटते। बात सही है, बाला साहब ठाकरे का एक बोलना है कि 80% समाजकरण करो, 20% राजकरण करो, हम उसी के ऊपर चलते हैं। हम लोग ना कोई फालतू आंदोलन करते हैं ना लोगों को तकलीफ देते हैं, मगर ये आपको एकदम पूरा दावे के साथ बोलता हूँ, मुमरा के अंदर शिवसेना का आमदार आया, चाहे मैं हूँ या कोई भी और भी है, तो मैं आपको बताता जो जगह पे आरक्षण था उसी जगह पे आरक्षण होएगा और बहुत सही तरीके से होएगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो VR न्यूज़ के तरफ से, आप जल्दी चुन के आवे आने वाले अक्टूबर में, और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक VR न्यूज़ चैनल की तरफ से, उरूस आपको मुबारक, आपको और ये हमारे अनवर भाई मुमरा के जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल के आज गुजरात ऊना में थे, उनसे कुछ बातें जाने हमने, लोगों कैसा वहां मुमरा में आरक्षण का घोटाला हो रहा है और कैसे जितेंद्र रावत राष्ट्रवादी के कैसे घोटाले कर रहे, कब्रस्तान बेचे जा रहे, शमशान बेच दिया गया है बिल्डरों को। दूसरी बात ये है कि मुमरा में जब से जितेंद्र रावत आया है तब से मुमरा के अंदर ड्रग्स की बहुत, उसके नगर सेवक के ऑफिस के नीचे, मैं एकदम दावे के साथ बोलता हूँ, आज 2-3 दिन पहले इन लोगों ने आंदोलन किया था, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके ऑफिस के नीचे आपके चेले चपाटे ड्रग्स बेच रहे ले, और उसके अंदर आज से कुछ 2 साल पहले एक को ड्रग्स माफिया को पकड़ा था, उसके अंदर भी ये राष्ट्रवादी वालों का नाम आया था कि इनको हफ्ते। देखिए बहुत बड़ी सनसनी खुलासा की है अनवर भाई ने कि वहाँ ड्रग्स का कारोबार हो रहा है राष्ट्रवादी के ऑफिस के नीचे और राष्ट्रवादी के लोग कर रहे हैं, लेकिन उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही मुमरा की। हम वहाँ के प्रशासन और CM से गुजारिश करते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और वहाँ के लोगों के लिए एक बच्चे जो नशे की लत में लग रहे हैं वो सुधर जावे, और वहाँ जो परेशानी जो लोग ये राष्ट्रवादी के आमदार के वजह से हो रही है, लोग एक अच्छा आमदार वहाँ चुन के देवे मुमरा में जो आपके लिए खड़ा रहे। VR न्यूज़, मैं विजय रजक। मुंबई पुलिस को सलाम।